प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद और जिलाधिकारी कोटे से होने वाले एडमिशन पर शिक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी है। पूरे देश में सांसद कोटे से करीब 7,500 और कलेक्टर कोटे से प्रतिवर्ष 22,000 छात्रों के दाखिले होते थे। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने स्वागत किया है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग किया था कि इस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि कोटा स्थगित होने से एससी एसटी ओबीसी कोटे से हर साल 15,000 छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा, अब तक हर सांसद 10 और विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष होने के नाते हर कलेक्टर अपने जिले के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 17 छात्रों का नामांकन अपने कोटे से कराया करते थे। इस प्रकार से सांसद कोटे से 7,500 और कलेक्टर कोटे से 22,000 छात्रों के दाखिले होते रहे। मोदी का कहना है कि ऐसे नामांकन में न आरक्षण के नियमों का पालन होता है और न ही योग्यता को आधार बनाया जाता है। दाखिला को कोटा मुक्त करने से आरक्षण और योग्यता के आधार पर नामांकन के लिए एक झटके में 30,000 सीटें बढ़ जाएंगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही।